तो आ गए तुम लोग। तो गई जैसे कि तुमको पता है कि आदि पुरुष का ट्रेलर आ चुका है और मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ देखा जाए पहली बार। तो अभी मैं ट्रेलर लगाने वाला हूँ और साथ में रिएक्शन देने वाले हैं, देखते हैं कैसा होता है। वैसे मुझे भी डर लग रहा है। 1 2 3 स्टार्ट। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत, ये कहानी है रामायण की। बीएफएक्स तो अच्छे लग रहे हैं गाइज, और ये आवाज जो है कटप्पा का क्यों लग रहा है मेरे को? कमेंट बताओ कटप्पा की आवाज है क्या ये? भिक्षाम देही। अयोध्या के युवराज हैं, एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हुआ है गाइस, ऐसी बात नहीं है, बहुत इम्प्रूव किया गया है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हाँ इम्प्रूव हुआ है। मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भाई साहब बीजीएम अच्छा होने वाला है, मजा आ जाएगा सुन के। बीजीएम सुन के मुझे अभी ही गूज बम्स आ रहे हैं। जंगली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। भाई साहब बीजीएम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आप पता नहीं मुझे ये क्यों लग रहा है कि हनुमान जी सूट नहीं कर रहे भाई। अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। लक्ष्मी को पा ले, नारायण हो जाएगा। BFX भाई थोड़े से पॉलिश तो नहीं थे यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ फेक है, बनाया गया है BFX है, ऐसा लग रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम रियल है चीज़ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ पॉलिश्ड है, बनाया गया है। बाकी मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी, तो मिलते हैं।